Now let us begin with the exercise 13.2 of the chapter INEQUATIONS. Now see here, bachchen, x plus 5, there is actually these are five expressions which I have written which will be helpful in solving the sums. I'll be just explaining you all the five identities, that how to solve this addition, how to solve the subtraction, how to solve the multiplication, and how to solve the division, and then we will proceed with the exercises. First see here. First is x plus 5 is greater than 8. बच्चे आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मतलब ये प्लस 5 नहीं चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस 5 है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस 5. तो क्या बन गया, x is greater than 8 minus 5, that is x is greater than 3. काम है. अब यहाँ पर भी x चाहिए, यहाँ पर माइनस 5 था तो उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस 5. तो x is 8 plus 5. It means x की वैल्यू जो है वो 13 से क्या है, लेस होगी, कुछ भी होगा. नेक्स्ट इज 3x इज ग्रेटर देन 6. मतलब 3x का मीनिंग क्या है कि 3 इज मल्टीप्लाइड विद x. जब 3 को हमने x से मल्टीप्लाई किया है तो इधर जाके क्या जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा. तो इट मींस x इज ग्रेटर देन 6 बाय 3, ये आ गया 2, दैट इज x इज ग्रेटर देन 2. इन द फोर्थ हमें x चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 2 क्या हुआ उसके साथ डिवाइड हुआ है, तो उधर जाके क्या आएगा, मल्टीप्लाई. So x is 4 multiplied by 2, that is x is less than 8 हो जाएगा. Next is your last fifth, very very important. Remember, अब मुझे x चाहिए, आप कहोगे minus 3 इसके साथ क्या हुआ है, multiply हुआ है. But remember बच्चे, जब भी minus वाली term हम लोग divide करेंगे, जब भी minus वाली term divide करेंगे, sign of this equality, inequality will change. इसका साइन चेंज होगा बच्चे, रिमेंबर दैट. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये था, अब माइनस 3 से मल्टीप्लाई हुआ, इधर आगे माइनस 3 से क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा. जब भी आपने माइनस से डिवाइड करना है तो ये साइन पहले लेस देन था, अब ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन बन जाएगा, दैट इज माइनस 3. रिमेंबर दिस, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रेस्ट आप इजिली कर सकते हो, ये थोड़ा सा आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट अस बिगिन विद दिस क्वेश्चन आंसर्स. The first statement, find the solution set if the replacement set is given to you. Again, for the first question, replacement set or universal set is given to you as 0, 1, 2, 3, 4, 5. And in the first part, what is the first equation? That it is given to you as x plus 5 is less than equal to 10. अब हमें पता है x निकालना है, ये plus 5 है, उधर जाके क्या बन जाएगा, minus 5. So x is less than equal to 10 minus 5. 10 minus 5 is 5. तो अब x का आंसर क्या है, less than equal to 5. तो अब देखो सॉल्यूशन सेट क्या होगा आपका, इसमें से देखो 5 भी है, 5 से लेस भी है, तो 5 से लेस से सारी है, तो क्या आ गया आंसर, 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Very easy. Second part. 2x minus 1 is greater than 6. Now, अब हमें ये माइनस वन नहीं चाहिए, तो माइनस वन उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस वन, दैट इज 6 प्लस 1. क्या आ गया, 2x इज ग्रेटर देन 7. अब मुझे 2 नहीं चाहिए, 2 मल्टीप्लाई हुआ जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, दैट इज 7 बाई 2. तो x इज ग्रेटर देन 3.5. x का आंसर क्या है, 3.5 से बड़ा है, 3.5 से बड़ा क्या क्या है, 4 और 5. तो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, दैट इज 4.5. This is your answer. Now let us start with the second question. Let us find the solution set of the inequation 2 into x minus 3 is less than equals to 5x. And they are saying that x is a negative integer. एक्स हमारे पास क्या है, नेगेटिव इंटीजर है. अब आपको बच्चे पता है ब्रैकेट है, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे भी होगा, 2 इंटू एक्स इज 2x, प्लस माइनस माइनस, 2 3 इज 6, लेस देन इक्वल्स टू 5x. अब ये देखो, ये प्लस 5x है, इधर आके माइनस 5x बन जाएगा, ये माइनस 6 है, इधर आके प्लस 6 बन जाएगा. 2x minus 5x plus minus minus 5x minus 2x 3x, लेकिन बड़ा 5x है तो इसके साथ क्या रहेगा, minus.
लेस देन इक्वल टू 6। अब ये x है बच्चे, माइनस 3 मल्टीप्लाई हुआ इधर आके डिवाइड होगा। जब भी आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो इसका साइन क्या जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो इसका साइन इस तरह से बन जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दैट इज x इज ग्रेटर देन माइनस 2। x है माइनस 2 से बड़ा, और हमें पता है x क्या है, नेगेटिव इंटीजर। तो कौन कौन से आंसर आएंगे इसमें, इसमें आएंगे आपके पास माइनस 2 भी लेना है, माइनस 1, 0, 1, 2 नहीं ले सकते क्योंकि हमें सिर्फ कौन से लेने हैं, नेगेटिव इंटीजर लेने हैं। तो इसका आंसर सिर्फ होगा माइनस 2 कॉमा माइनस 1 होगा। देन लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज गिवन टू यू आर और यू इज गिवन टू यू एस 3, 4, 5, 6, 7, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन 7 - x/2 is greater than 5x/3 minus 6। इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बच्चे 7 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे, 1। 6 के नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या रहेगा, 1। व्हाट यू कैन डू इज अब 1 और 2 का एलसीएम ले लेंगे इधर। 1 कितने का 2 होता है, 1 2 2, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14। 2 कितने का 2 होता है, 2 1 2, 1 को x से किया तो x। इधर 3 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, 3। 3 कितने का 3 होता है, 1 into 5x 5x। 1 कितने का 3 होता है, 3 6 18। इज दिस क्लियर? अब 2 इधर डिवाइड हुआ उधर जाके मल्टीप्लाई, 3 इधर डिवाइड हुआ इधर जाके मल्टीप्लाई, सो 3 into 14 - x > 2 into 5x - 18। 3 14s are 42, -3 into x is 3x, 2 5s are 10x, 2 18s are 36। नाउ x वाले एक साइड कर लेंगे, बाकी नंबर हम लोग एक साइड पे कर लेंगे। सो सी है -36 इधर आके क्या बन जाएगा, +36, -3x उधर जाके +3x, 42 + 36 = 78 > 13x। मुझे x चाहिए, 13 मल्टीप्लाई हुआ इधर आके क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 78 / 13 > x, ये कितना होता है 6, तो इसका मतलब 6 > x, या x की वैल्यू क्या है, लेस देन 6 है। x की वैल्यू लेस देन 6 है तो कौन कौन से लेस देन 6, 3, 4 and 5। सो आपका आंसर क्या आ गया, सोल्यूशन कितना आ गया, 3, 4 और 5, बिकॉज हमें क्या चाहिए था, लेस देन 6 चाहिए था। I guess all the 3 questions are clear to everyone. Thank you.